हेलो व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग इंडिया में आप सबका स्वागत है और मैं हूं इमरान। आज मेरे पास यहां पे जो रिवाइज है वो है V20 Pro 5G सनसेट मेलोडी कलर में। V20 Pro को इस वीडियो में करेंगे अनबॉक्सिंग सनसेट मेलोडी कलर को और जानेंगे इस डिवाइस के बारे में डिटेल्स में। तो गाइस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कुछ इस तरीके से V20 Pro का बॉक्स हमें नजर आता है और डिवाइस के पीछे मेंशन किया गया है इसी डिवाइस के हाइलाइटिंग पॉइंट्स, जैसे कि 44 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का डुअल फ्रंट आई ऑटोफोकस कैमरा, इसके अलावा अल्ट्रा स्लिम मैट क्लास बॉडी, 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 8GB रैम है इसमें, 128GB और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G 5G प्रोसेसर इस डिवाइस में दिया गया है। तो चलिए फिलहाल इसी V20 Pro को हम अनबॉक्सिंग करते हैं जो 5G डिवाइस है। और उससे पहले गाइस मेरे इस YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पे हमने V20 Pro का अनबॉक्सिंग कर दिया है और कुछ इस तरीके से V20 Pro का बॉक्स नजर आता है। चलिए इस सेक्शन में क्या कुछ है देखते हैं। ऊपर यहाँ पे एक सेक्शन है V20 Pro लिखा हुआ है इसमें, और इसमें आपको एक टाइप सी केबल प्रोवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमें टाइप सी केबल दिया गया है। और इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंटेशन और ट्रांसपेरेंट कवर यहाँ पे फोन की प्रोडिक्शन के लिए दिया गया है। इन सभी चीज़ों को रखते हैं चलिए। और बाकी कुछ इस तरीके से प्रोडिक्शन के साथ में ये रहा सनसेट मेलोडी कलर में V20 Pro 5G स्मार्टफोन, और दिखाऊंगा इस डिवाइस को। उसके अलावा हमें क्या कुछ दिया गया है चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक अडोप्टर दिया गया है जिसका आउटपुट है 11 वोल्ट एंड 3 एम्पियर, यानी 33 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा ये अडोप्टर। वीवो फ्लैश चार्ज 2.0 का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे ऑडियो जैक दिया गया है और टाइप सी ऑडियो जैक है, और इसके अलावा ये ईयरफोन प्रोवाइड कर दिया गया है। काफ़ी बेहतरीन ईयरफोन है डिवाइस के साथ आपको मिलेगा। और चलिए फिलहाल इसी प्रोडक्शन से निकालते हैं V20 Pro को, और कुछ इस तरीके से अमेजिंग लुक से डिज़ाइन के साथ V20 Pro नज़र आता है। बहुत ही खास डिज़ाइन है, पीछे से देख सकते हो Vivo यहाँ पे ब्रांडिंग आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा 5G लिखा हुआ है और यहाँ पे ट्रिपल रियर कैमरा, 12 LED फ्लैश और जो सनसेट मेलोडी कलर है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पीछे से लग रहा है। काफ़ी कुछ कलर का कम्बिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 3-4 कलर का कम्बिनेशन यहाँ पे। इसके अलावा जो कैमरा मॉड्यूल है देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे कैमरा पार्ट को डिज़ाइन किया गया है, और मैट फिनिश है पीछे से, मैट ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। ओवरऑल लुक्स जो है V20 Pro 5G का बहुत ही अच्छा है। और आपको इस डिवाइस का लुक्स डिज़ाइन कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। नीचे की तरफ देखा जाए स्पीकर व्हील, टाइप सी पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन और यहाँ पे सिम ट्रे नज़र आता है। जो सिम ट्रे है डुअल नैनो सिम सपोर्ट करता है, आप इसमें सिर्फ 2 नैनो सिम लगा सकते हो, डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं है। इस साइड से देखेंगे तो नेट एंड क्लीन है। इस तरफ देखा जाए नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन दिया गया है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे पावर बटन एंड वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन नज़र आता है। V20 Pro में 3 कलर है, सनसेट मेलोडी, मिडनाइट जैज एंड मूनलाइट सोनाटा, ये 3 कलर में डिवाइस अवेलेबल देखने को मिलेगा। और चलिए फिलहाल इसी डिवाइस को सेट करते हैं और बात करते हैं इसी डिवाइस के डिस्प्ले को लेकर। डिवाइस में जो डिस्प्ले क्वालिटी दिया गया है काफ़ी बेहतरीन डिस्प्ले क्वालिटी दिया गया है। एमोलेड स्क्रीन का उपयोग किया गया है, HDR10 इसमें देखने को मिलेगा, 6.44 इंचेस का यहाँ पे फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में ये डिस्प्ले दिया गया है। 1080x2400 का पिक्सल से 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो है, और जो यहाँ पे PPI देखने को मिलता है पिक्सल डेंसिटी 409 का PPI दिया गया है। तो ओवरऑल एक बेहतरीन क्वालिटी का डिस्प्ले प्रोवाइड कर दिया गया है, नॉच के साथ में आता है, और यहाँ पे जो नॉच है इसमें डुअल फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है। और डिस्प्ले का कलर वगैरह देख सकते हो बहुत ही अच्छा है, पंची कलर नज़र आ रहा है, यानी जो एक्सपीरियंस रहेगा गेमिंग के मामले में, वीडियोज़ वगैरह आप देखते हो या फिर डिस्प्ले के साथ में जो एक्सपीरियंस होगा काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस इस डिवाइस में रहेगा। लुक्स डिज़ाइन के अलावा जो इस डिवाइस का डिस्प्ले है वो भी मुझे काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का डिस्प्ले लगा इस डिवाइस में। तो डिस्प्ले को लेकर भी कोई भी आपको इस डिवाइस में इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए फिलहाल बात करते हैं इस डिवाइस की परफॉर्मेंस को लेकर। इस डिवाइस में है 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, यानी रैम भी काफ़ी ज़्यादा दिया गया है। 8GB रैम है, 128GB इंटरनल स्टोरेज है, लेकिन डेडिकेटेड स्लॉट लगाने का ऑप्शन नहीं है।
और इसके अलावा जो इसमें एंड्रॉयड मिलता है एंड्रॉयड 10 है, बहुत ही जल्द आपको इसमें एंड्रॉयड 11 का अपडेट मिल जाएगा। और यहाँ पे फ्रंट एज ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे 11 दिया गया है। और इस डिवाइस की अगर मैं प्रोसेसर को लेकर बात करूँ तो एक बेहतरीन चिपसेट डिवाइस में दिया गया है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G 7 नैनोमीटर फैब्रिकेशन में बना हुआ है और बहुत ही अच्छा प्रोसेसर डिवाइस में दिया गया है। 2.4 GHz क्लॉक स्पीड के साथ में ये प्रोसेसर दिया गया है। और ये जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट है ये 5G सपोर्ट करता है, यानी फ्यूचर में अगर आपको 5G डिवाइस लेने के बारे में सोच रहे हो तो अभी आप V20 Pro 5G स्मार्टफोन ले सकते हो। एक 30,000 बजट में आपको एक बेहतरीन डिवाइस मिल रहा है 5G के साथ में। और डिवाइस में जो गेमिंग एक्सपीरियंस होगा काफ़ी बेहतरीन गेमिंग एक्सपीरियंस आपको देगा ये डिवाइस, क्योंकि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G एक बेहतरीन प्रोसेसर है। इसके अलावा डिवाइस में आपको देखने को मिलता है 4000 mAh का बैटरी और सपोर्ट दिया गया है 33 वाट। जी हाँ, बहुत ही तेजी तरीके से डिवाइस का जो बैटरी है चार्ज हो जाएगा क्योंकि 33 वाट दिया गया है और इसके साथ में 4000 mAh का बैटरी भी आपको मिल रहा है। फिंगरप्रिंट सेंसर को लेकर बात करूँ तो इस डिवाइस में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, ना ही पीछे और ना ही पावर बटन के साथ में यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको नजर आता है। और चलिए यहाँ पे सेट करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर और देखते हैं किस तरीके से परफॉर्म करता है। और इसके अलावा फेस अनलॉक का ऑप्शन भी है और यहाँ पे सेट कर दिया है। और यहाँ पे देख सकते हो जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है इन डिस्प्ले काफी बढ़िया तरीके से काम करता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा फेस अनलॉक भी काफी एक्यूरेट है। और चलिए इस डिवाइस की बात करते हैं कैमरा फीचर्स के बारे में। इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा पीछे देखने को मिलता है, 64 MP का प्राइमरी कैमरा है, अपर्चर F1.9 के साथ में आता है। और इसके अलावा अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है जो 8 MP अपर्चर F2.2 के साथ में आता है, 120 डिग्री में आप फोटोज क्लिक कर सकते हो। और डेप्थ सेंसर के लिए 2 MP अपर्चर F2.4 के साथ में आता है। और 44+8 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा है, देख सकते हो जो सेल्फी है काफी बेहतरीन क्वालिटी का सेल्फी आपको यहाँ पे नजर आता है। इसके अलावा ये रहा कुछ डिवाइस का रियर कैमरा के साथ, मैंने यहाँ पे फोटोज क्लिक किया है, 64 MP का रियर कैमरा जो V20 Pro है एक बेस्ट डिवाइस है कैमरा के लिए, क्योंकि इसमें आपको रियर कैमरा के साथ आप वीडियोस अगर रिकॉर्ड करोगे तो 4K वीडियोस 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो, या फिर फ्रंट फेसिंग कैमरा में भी 4K वीडियोस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है 30 FPS पे। और फ्रंट फेसिंग कैमरा में इसके अलावा 8 MP का जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है ये अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के लिए है और यहाँ पे आपको स्किन टोन वगैरह या फिर सेचुरेशन वगैरह काफी बेहतरीन देखने को मिल रहा है, तो डिवाइस कैमरा के लिए भी काफी बेहतरीन है। और चलिए फिलहाल बात करते हैं V20 Pro की प्राइस को लेकर। इस डिवाइस में एक ही वेरिएंट है, 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज। डिवाइस का इंडिया में प्राइस रखा गया है 29,990 रुपीज, यानी ऑलमोस्ट 30,000 का यह डिवाइस है। और प्राइस रेंज के हिसाब से डिवाइस का लुक्स, डिजाइन, कैमरा फीचर्स, डिवाइस की डिस्प्ले या फिर इस डिवाइस की बैटरी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, तो एक वेल फॉर मनी डिवाइस है। डिवाइस की प्रोसेसर भी काफी बेहतरीन है और ये एक 5G स्मार्टफोन है। और ये जो डिवाइस है ये OnePlus Nord के साथ टक्कर देगा काफी मार्केट में। तो यही था दोस्तों V20 Pro की अनबॉक्सिंग और इस डिवाइस के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस डिवाइस को लेकर कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव हो नीचे कमेंट करना ना भूले। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।